इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। तो देखिए, हिस्टोग्राम का यूज वहाँ होता है जहाँ पर क्लास इंटरवल बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल कैसे बनता है, जब हम स्कूल में कक्षा के पीरियड लगते हैं तो देखिए किस प्रकार से पीरियड हमारे स्टार्ट होते हैं, 8 से 8:40 तक हिंदी का पीरियड और 8:40 से 9:20 तक साइंस का पीरियड और 9:20 से 10:00 तक मैथ्स का पीरियड लग रहा है। तो ये जो हमारा बना, ये हमारा क्लास इंटरवल बना, इसी को जो है हम क्लास इंटरवल कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमें यहाँ पर डाटा दे रखा है उसमें हमें बताना है कि किस में जो है क्लास इंटरवल का, सॉरी स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम का यूज होगा। तो ए पार्ट है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग है, एक पोस्टमैन के थैले में से डिफरेंट एरियाज के लेटर्स की संख्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोस्टमैन की बैग में जो है विभिन्न एरिया के लेटर्स की संख्या है, तो इसमें जो है हम यहाँ पर क्लास इंटरवल्स हमारा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं बनेगा तो वहाँ पर जो है हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं होगा। तो हम जो है यहाँ पर इसको हम क्रॉस का साइन लगा देंगे इसके सामने। बी पार्ट है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग है, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की हाइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हाइट जो है का जो है क्लास इंटरवल हमारा बन जाएगा। तो देखिए किस टाइप से बनेगा, उसमें जो है डिफरेंट टाइप की हाइट के लोग होंगे और उनका हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 से 5 फीट के जो लोगों की संख्या है वो 10 है और 5 से 6 फीट के हाइट की संख्या जो है वो 20 है और 6 से 7 फीट के हाइट के लोगों की संख्या जो है 15 है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा क्लास इंटरवल बन रहा है। तो जहाँ पर भी क्लास इंटरवल बनेगा वहाँ पर जो है हिस्टोग्राम का यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम टिक का निशान लगा देंगे क्योंकि इसमें हिस्टोग्राम का यूज़ होगा। सी पार्ट है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाई 5 कंपनीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग है, 5 कंपनीज द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है क्लास इंटरवल नहीं बनेगा क्योंकि 5 कंपनियां हैं जो कैसेट्स बना रही हैं, लेकिन उस पर जो है संख्या नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, अगर संख्या पड़ी हुई होती तब भी जो है क्लास इंटरवल नहीं हो सकता, क्योंकि जो है अलग अलग कंपनीज की हैं। कोई भी मान लीजिए एक कंपनी है तो वो जो है मान लो 10 कैसेट्स बना रही है। ठीक है, तो ये अब बी कंपनी है तो वो जो है ये नहीं कि 11 से
20 बनाएगी तो वो भी जो है अपनी स्टार्टिंग से ही काउंटिंग करेगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्लास इंटरवल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जो हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। इसमें भी डी पार्ट है हमारा, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। तो इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से और शाम के 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है क्लास इंटरवल हमारा पॉसिबल है, क्योंकि सुबह के 7 बजे से जो है हमारे जो यात्रियों की संख्या आएगी उसको हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 7 से 8, 7 से 8 o'clock से 8 o'clock तक जितने यात्री आए उनकी संख्या हम काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 10 आए तो हम 10 राइट कर देंगे। फिर उसके बाद 8 o'clock से 9 o'clock तक हम देख लेंगे कि कितने यात्री आए। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 20 यात्री आए, तो इस प्रकार से जो है हम संख्या को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा क्लास इंटरवल बन रहा है। तो जहाँ पर भी क्लास इंटरवल बनेगा वहाँ पर जो है हिस्टोग्राम का यूज़ होगा। तो इसमें जो है डी पार्ट में भी हिस्टोग्राम का यूज़ हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बी और डी पार्ट में हिस्टोग्राम का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन एम, वुमेन डब्ल्यू, बॉय बी और गर्ल जी। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि मैन को एम से और वुमेन को डब्ल्यू से और बॉय को बी से और गर्ल को जी से। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। नीचे देखिए, मेक ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स का प्रयोग करते हुए एक हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है हमें, और ड्रा ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, और बार ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, इसमें जो है टेलीमार्क्स का यूज करते हुए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे हम शॉपर्स टेलीमार्क्स नंबर ऑफ शॉपर्स अब देखिए शॉपर्स जो है वो मैन है तो उसे हम एम से शो करेंगे। अब देखिए इसमें जो है जो लिस्ट हमें दे रखी है एम को जो है हम काउंट करेंगे कि एम कितनी बार आया है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो स्टूडेंट्स, एम जो है वो 15 टाइम्स आया, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 15।
अब देखिए इसे 15 को टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे कि नंबर्स को जब हम टैली मार्क्स में लिखते हैं कि वन नंबर जो होता है तो उसे वन लाइन खींच देते हैं, टू नंबर होता है तो टू लाइन खींच देते हैं हम लोग, और थ्री नंबर होता है तो थ्री लाइन खींचेंगे, फोर नंबर होगा तो फोर लाइन खींच देंगे, और फाइव नंबर होगा तो फोर लाइन खींच कर उसे एक तिरछी लाइन से क्रॉस कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है हम फाइव को शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें 15 को जो है टैली मार्क्स में लिखना है। तो देखिए किस टाइप से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 को क्रॉस कर देंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, W है। अब देखिए W को जो है काउंट करेंगे कि कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 टाइम आया है। तो इसे लिख देंगे हम नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर में 28। अब देखिए 28 का जो है हम टैली मार्क्स में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बॉय, तो बी राइट करेंगे। अब देखिए बी लिस्ट में देखेंगे कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 5 टाइम आया है। तो नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स में हम 5 राइट कर देंगे, और टैली मार्क्स में लाइन खींच देंगे हम 1 2 3 4 5। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जी, जी देखेंगे लिस्ट में कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम आया है। तो नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स में जो है हम 12 ऐड कर देंगे, और टैली मार्क्स में लिखेंगे देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 और 5 10, और दो लाइन और खींच देंगे 1 2, तो 12 हो जाएंगे हमारे। अब देखिए इसका बार ग्राफ बनाएंगे। नीचे की साइड में आएंगे हमारे सॉपर्स, और इस वर्टिकल साइड में आएंगे हमारे नंबर ऑफ सॉपर्स। अब देखिए बार ग्राफ को बनाने के लिए हमें स्केल की आवश्यकता होती है, तो हम इसका स्केल मानेंगे जो यहाँ से यहाँ तक की 1 यूनिट होता है। इस 1 यूनिट में जो है हमारे 10 पॉइंट्स होते हैं, तो इसको जो है हम यहाँ से 0 से और 1 यूनिट तक हम 5 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सॉफ्टवेयर्स। अब देखिए यहाँ से हमारा 0 से हो गया 5,
इसमें जो है वन यूनिट में 10 लाइनें होती हैं, तो जियो से हमने 5 मान लिया हमने वन यूनिट, फिर 5 से 10 मानेंगे, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 35। अब देखिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सही कर लेंगे, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 आएगा यहाँ। और नीचे की साइड में हम लेंगे M W बॉय और यहाँ पर गर्ल। अब देखिए M की संख्या कितनी है, 15 है, तो हम जो है 15 तक जाएंगे। कहाँ पर है 15, देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ से हम बार ग्राफ बना देंगे, ये आ गया हमारा 15 मैन का। अब देखिए W यानी वुमेन, वुमेन की संख्या कितनी है, 28 है, तो हम 28 जो हमारा जाएगा वो 25 और 30 के बीच में जाएगा, बस 30 से थोड़ा ही नीचे होगा। ये बन गया हमारा बायोग्राफ वुमेन्स का। अब आता है नेक्स्ट बी, बी मीनिंग बॉय, बॉय का बायोग्राफ बनाइए। तो देखिए बॉय की संख्या कितनी है, 5 है, तो देखिए स्टूडेंट्स 5 देखिए यहाँ तक आ रहा है, तो 5 तक लाइन खींच देंगे, तो ये हो गया हमारा 5 का बार ग्राफ। अब गर्ल्स का देखिए, गर्ल की संख्या जो है वो 12 है, 12 जो है 10 और 15 के बीच में आएगा, तो ये जो है 10 और 15 से जो है बीच में आएगा, तो इस प्रकार से जो है हमारा बार ग्राफ जो है तैयार हो जाएगा।